हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड सुबह सुबह मैं लगी हुई हूँ अपनी किचन में सब्जियाँ अरेंज करने में। एक्चुअली क्या है ना, मैं कल ही वापस आई हूँ नोएडा। अभी तक मैं अपने घर पे थी, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग्स वगैरह में देखा। सो मैं कल ही वापस आई हूँ। और यार ना, इतना लंबा ट्रैवल करके और थोड़ी सी थकान हो जाती, और कल फिर मेरे से कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि ना ये 10-15 दिन इधर हो गए, तो घर की जो हालत थी ना वो भी थोड़ी सी ख़राब थी। तो बस वही सारी चीज़ें करके और बस लग रहा था कि हाँ बिस्तर मिल जाए। और पूरा दिन कल हम लोग अप्रॉक्स 11:30 सुबह टाइम ही आ गए थे, क्योंकि हम बहुत अर्ली मॉर्निंग घर से निकले थे। सो फिर उसके बाद में बस आ करके, और डिनर हमारा, सॉरी जो लंच था हमारा, वो बहुत लेट हुआ था, क्योंकि हमने ना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी कर लिया था। सो दैट जो लंच है वो हमारा 4-5 बजे के अराउंड हुआ था, और डिनर हमारा स्किप हो गया था, क्योंकि इतनी थकान थी कि हम सो गए थे। शाम को ही हस्बैंड मेरी सब्जियां लेकर के आए थे, बट मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको निकाल करके रखूं। मुझे ये लग भी रहा था कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ना आजकल थोड़ी सी गर्मी होने लगी है, सो दैट ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। लेकिन फिर भी स्टिल मैंने कहा कि चलो जो होगा वो कल देखूंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। और सो आज सुबह उठ करके सबसे पहले जो मेरी सारी सब्जियां थी उनको क्लीन किया, एंड अभी मैं इनको ना बाहर रख दूंगी ताकि जो उनका पानी वानी है वो अच्छी तरीके से सूख जाए। और फिर इसके बाद में मैं इनको अपने फ्रिज में लगाऊंगी। एंड काफ़ी सारी सब्जियां, क्योंकि ना हस्बैंड जब मेरे जाते हैं तो वो एक साथ लेकर के आ जाते हैं एक वीक के लिए। सो दैट अभी मैं इनको सारी चीज़ें इस तरीके से अरेंज करूँगी, और बस ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। एंड ब्रेकफास्ट में मैं आज ये बनाने वाली हूँ आलू वाले सैंडविचेस। एंड ना ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं, एंड ऑल्सो ये हेल्दी, सॉरी हैवी भी हो जाते हैं। आज ना इतने दिन के बाद मैं से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, सो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना ना, थोड़े से हैवी हो जाते हैं। तो अगर ना आपका लंच वगैरह लेट हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये थोड़े हैवी रहते हैं। एंड ना मैं इनका जो स्टफिंग है वो बिल्कुल उस तरीके से बनाती हूँ, जैसे समोसे का स्टफिंग बनाते हैं ना खूब सारी देर फ्राई करके उस तरीके से, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। एंड मैंने यहाँ पर अदरक और जो हरा मिर्च है उसको भी चॉप कर लिया। एंड ना इसके साथ में आप हरा मटर डालो तो वो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मेरे पास में रखा भी हुआ था, फ्रोज़न वाले पीस होते हैं ना वो रखे थे, बट जब ये बनाते ना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, वरना मैं उसको भी डालती तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता। एंड यहाँ पर मैंने बनाई हुई हरी चटनी, क्योंकि मैं कोई सॉस वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। मैं पहले जो हरी चटनी होती है उसको ऐसे पूरे ब्रेड में स्प्रेड करती हूँ, देन इसके बाद मैं स्टफिंग फिल करती हूँ, मतलब दोनों साइड ब्रेड में मैं हरी चटनी ही स्प्रेड करती हूँ। और फिर बस इसके बाद मैं उसको यहाँ पर सेक लिया है। एंड यहाँ पर मेरी जो चाय है वो भी बन गई है, एंड सारे जो सैंडविचेस हैं इस तरीके से मैंने ऐसे फिल करके रख लिए हुए, क्योंकि हम 3 लोगों को खाना है। सो इसलिए उसके आप ये मुझे सोचना कि इतना सारा मैं सिर्फ केवल खाऊंगी, नहीं। सो ये सारी चीज़ें कर ली हैं। एंड यहाँ पे एक छोटा सा वाटर बॉटल भी रखा हुआ है, क्योंकि यार मेरा जो आरओ है ना उसकी आज सर्विस करानी है, तो अभी इतना चलेगा, इसलिए हमने छोटा बॉटल ही लिया हुआ है। एंड अभी तक जो आप व्लॉग देख रहे थे वो मंडे के दिन का था, क्योंकि संडे को तो मैं वापस आई थी। एंड जो अब यहाँ से, मतलब जो अब नया स्टार्ट हुआ है, ये है सैटरडे का। मतलब इतना लंबा टाइम मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। और जो मेरी हाउस हेल्पर है ना आजकल वो भी छुट्टी पे है, उनकी तबीयत ख़राब है, बेटी की भी तबीयत ख़राब है। सो दैट ना वो अभी मुझे पता भी नहीं कि वो कब तक आएंगी, तो जो घर के सारे काम होते हैं ना वो मुझे ही करने होते हैं, मतलब क्लीनिंग हो गया, मॉपिंग हो गया, एंड सारी चीज़ें मतलब करनी होती हैं। बच्चे को भी, छोटा बच्चा है उसको भी देखना होता है, सो दैट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ भी व्लॉग वगैरह करूँ। तो बस इस तरीके से मैंने एक टूटा फूटा सा एक व्लॉग बनाया हुआ है, और ये देखो इसको मतलब बस ले करके रखना होता है। इसको क्या होता है, आप ना इसको रूम में नहीं छोड़ सकते हो, ये खेल भी रही होती ना तो भी इसको लोग दिखने चाहिए होते हैं। अगर मैं सोचूं कि अगर बेड में ही खेल रही ना तो उसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ करके किचन में कुछ काम कर लूँ, तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ। और आज मैं किचन थोड़ा सा क्लीन कर, डीपली क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तो मुझे था कि हाँ एक बार आप वैसे भी ना आओ तो चीज़ें उस तरीके से साफ़ सुथरी नहीं रहती हैं, तो मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करूं, लेकिन वो इतना टाइम हो गया, वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं सारी चीज़ें क्लीन करती हूं, लेकिन ना इसको भी बीच बीच में चाहिए होता है, और जो इनका काम होता है बॉटल्स वगैरह वो तो अपना रहता ही है, क्योंकि भाई आप ये चीज़ तो मिस नहीं कर सकते, मतलब आप और कोई काम करो ना करो ये तो आपको करनी ही पड़ेंगे। तो बस इसके भी काम चल रहे हैं, और जो अपना मेरा किचन का काम है ना वो भी मैंने सोचा कि आज शुरू कर दूंगी, तो जितना हो पाएगा उतना, क्योंकि एक साथ मैं सोचूँ सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो तो नहीं हो पाएंगी। तो इसको अभी मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, और चलो फिर शुरू करते हैं अपना काम। बेटू को मैंने ऐसे यहाँ पे बिठा लिया है, लेकिन बस ये थोड़ी देर ही बैठेगी और फिर इसके बाद में इसका रोना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उसको बहुत ज़्यादा देर ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है, उसको बस है कि हाँ थोड़ी देर हो गया और अब मेरे को गोद में ले लो। तो अभी देखते हैं वो जितनी देर बैठती है, अब तक मैं थोड़ा बहुत सा काम करती हूँ जितनी चीज़ें हो जाती हैं, और बाकी तो जब देखते हैं, होती हैं तो होंगी और नहीं होनी होंगी तो नहीं होंगी। तो चलो फिर स्टार्ट करती हूँ मैं जल्दी जल्दी से अपना सारा काम। और ये देखो वो अभी से अपने पैर ऐसे से करने लग गई है, मतलब मेरे को अब समझ में आ रहा है कि अब वो बोल रही कि मेरे को ना वापस से गोद में ले लो, उसको एक बार गोद में ले लो ना तो उसका उसी तरीके से रहता है।
और फिर उसके बाद में मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि गुड्डा मेरा तुरंत रोने लगा। उसको था कि हाँ अब मेरे को बस तुरंत गोद में ले लो, तो मैं उसको उस तरीके से लेकर के बाहर आई हूँ ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा लगे। परेशान कर दिया, पता नहीं क्यों आजकल ना वो थोड़ी सी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। एक्चुअली जब से मैं घर से आई हूँ, क्योंकि वहाँ वो बहुत सारे लोगों को देखती थी, तो ना अब वो थोड़ा सा ज़्यादा चिड़चिड़ करती है। और अभी ये खेलेगी थोड़ी देर अपने मामा के साथ में, तब तक जितने हो सकते हैं वो मैं सारे काम करती हूँ। और ना मैं ये सोच भी रही थी यार मैंने क्यों क्लीनिंग का कर लिया, क्योंकि मेरे को पता था ये परेशान करेगी, बट अभी है कि ये जितने देर वो खेलती है तब तक जो भी काम होते हैं थोड़े बहुत से मैं वो कर लेती हूँ, एंड बस इस तरीके से होता है। और यार बच्चे के साथ में आप सोचो कि घर आपका एकदम नीट एंड क्लीन रहे तो वो नहीं हो पाता। वैसे भी मेरे मतलब मेरे से ये नहीं होता कि सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी हमेशा रह पाए, क्योंकि कभी अगर आप इधर का करोगे उसके बाद में दूसरी तरफ रह जाएगा, इस तरीके से होता ही है। एंड आज मैंने अपने किचन का जो भी है सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पूरा साफ़ किया है, सारी चीज़ें अरेंज की है। एंड यार जो तो पीछे आप ये जो सेरेमिक जार देख रहे हो ना, ये जब अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा बंजारा मार्केट का, तो मैं वहाँ से लेकर के आई थी। इतना लंबा टाइम हो गया और तब से इस तरीके से रखे हुए हैं क्योंकि मुझे घर जाना था, तो फिर मैंने कुछ किया नहीं। तो आज मैंने सोचा कि चलो इनको भी अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं एंड इनको यूज़ करते हैं, कुछ तो मैं अभी इसमें रखूँगी। सो मैंने कहा ये भी निकाल लें, क्योंकि अब यार लेके आई हूँ तो इनको यूज़ तो करना ही है। तो मैंने इनको यहाँ पर पहले मैं इनको अच्छी तरीके से वॉश करूँगी, और भी जो किचन की चीज़ें थी सारी मैंने वॉश की हैं। इवन ना जो टाइल्स वगैरह होते हैं उसको भी अच्छी तरीके से वॉश किया है, एंड काउंटर टॉप वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ अच्छी तरीके से वॉश किया है। अब मैं इनको अरेंज करूँगी। एंड ना मैंने सोचा हुआ है कि जो काउंटर टॉप पे है जितनी कम चीज़ें रखूँ ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना गर्मियों में क्या धूल वूल बहुत ज़्यादा आती है, और जितनी चीज़ें आपकी बाहर रहती हैं तो वो फिर ज़्यादा गंदी होती हैं। तो ये जो आप पीछे स्टैंड देख रहे हो ना, ये पहले मेरे काउंटर टॉप में रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने ना वहाँ से हटा करके यहाँ रख दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं काउंटर टॉप को पूरा क्लीन रखूँगी, उसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं रहेगा। एंड ये चिमनी भी इतनी ज़्यादा गंदी थी कि इसको पहले जिससे मतलब बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं उससे मैंने साफ़ किया, देन इसके बाद में ऐसे गीले कपड़े से वाइप आउट किया, इसके बाद में कॉलिन लगाया तब वो थोड़ी सी उसमें चमक आई थी। एंड सेम इस तरीके से गैस वगैरह भी मैंने क्लीन की। ये तो मैं इवन मतलब मैं एक दो दिन में इस तरीके से करती रहती हूँ। और क्या ना, ब्लैक हो या वाइट हो, ये दो कलर ऐसे होते हैं कि ये ज़्यादा गंदे दिखते हैं, और मेरे किचन में जो सारी चीज़ें हैं वो या तो ब्लैक में है या वाइट में है। तो मतलब आप सोचो भी कि अगर दो तीन दिन में करूँ तो नहीं हो पाता है, आपको ऑल्टरनेट डेज पे करना ही पड़ता है, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लगती हैं। सो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर दी हैं, और ये देखो कितना अच्छा लगता है। मतलब इस तरीके से देखो तो बहुत अच्छा लगता है यार कि हाँ फाइनली सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लीन हो गई। गैस वगैरह भी मैंने साफ़ की है एंड सारी चीज़ें मैंने की हुई है। एंड ये वाला जो सेक्शन है वो पूरा अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया है, जो ऑयल वगैरह था ये सारी चीज़ें मैंने अब यहाँ रखी हुई हैं क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। और ये वाला एरिया भी मुझे क्लीन करना है, यहाँ पे सिर्फ जो उसका बेटू का स्टरलाइज़र एंड एक मिक्सी वही रहता है, बाकी ये भी क्लीन रहता ही है। और ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बस सिर्फ दो चीज़ें ही रहती हैं, और मैं इसको कम यूज़ स्टरलाइज़र की वजह से मैं ना वहाँ पे थोड़े से गंदगी कम रख, मतलब कुछ भी सामान कम रखती हूँ, मुझे ये होता है कि हाँ वो चीज़ें साफ़ सुथरी रहें। और मेरे को क्या इतने लंबे टाइम से मैंने ज़्यादा काम तो किया नहीं था, सो दैट ना मेरे को बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती, तो मैं थोड़ा काम करती हूँ और फिर उसके बाद में फिर से आराम करने बैठ जाती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कि यार अब मैं सारी चीज़ें किस तरीके से रखूँगी। ये देखो मतलब मैंने पूरा घर ऐसे बिखरा लिया। और वैसे भी ना अगर आप एक जगह कुछ काम करो तो दूसरी जगह ऑब्वियसली बात है कि वो बिखर जाएगी, क्योंकि हम सामान उठा उठा के वहाँ रखते हैं। अब मैं सोच रही थी कि मैं इसको ऐसे किस तरीके से हटाऊँगी, सो वही है। एंड बालकनी भी मेरी, इसको भी क्लीन किया गया हुआ है क्योंकि वो आर्टिफिशियल वाली ग्रास होती है ना उस पर इतनी सारी डस्ट थी, सो उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन किया गया। फाइनली किचन मेरा अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है, सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली है। एंड ये जो आप सेरेमिक जार देख रहे हो ना, इसमें मैंने एक में चाय पत्ती रखी है और दूसरे में चीनी रखी हुई है। एंड यहाँ पे ना लाइट, जब मैंने बाद में अभी मैं जब एडिट करूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्योंकि ना सारी लाइट ऑफ़ करके रखी थी, सो दैट वो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। एंड बाहर भी जो मेरे बर्तन वगैरह है वो भी सारे साफ़ हो चुके हैं। यहाँ पे मशीन के ऊपर कुछ कपड़े रखे हैं तो इनको वॉश करना है, तो वो अभी मैं शाम में वॉश करूँगी। एंड ये जो मेरी बैल्कनी है ये भी पूरी क्लीन हो गई है। सो ये तो दो बड़े बड़े काम थे ना वो आज हो गए, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ चलो। एंड नहीं काम करते करते मतलब दिन कब निकल गया बिल्कुल भी पता नहीं चला, और अभी हो गया है शाम का टाइम। एंड मैं अभी बस थोड़ी देर पहले फ्री हुई हूँ, मैं जस्ट नहा करके आई हुई हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैं फ्री हुई थी तो मैं तुरंत लेट गई थी क्योंकि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद में आधे घंटे रेस्ट करने के बाद में मैंने नहाया था और मैं आ गई हूँ बैल्कनी में। यहाँ पे आ जाना तो एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील होता है, अच्छा लगता है। और जैसे जैसे अभी शाम स्टार्ट होती जाएगी ना, तो 10 बजे तक यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, सिर्फ यहाँ पे गाड़ियाँ और लोग ही दिखते हैं।
इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है, लेकिन हाँ आप इस तरीके से देखो तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं वही थोड़ी देर के लिए बालकनी में, लेकिन आजकल क्या टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है बच्चे की वजह से, मैं बहुत ही कम है कि मैं बालकनी में आ पाऊँ। एंड यहाँ पर मैंने बस मशीन भी अपनी लगा दी थी क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे, और मैंने भी अपने जो नहाने के बाद जो भी कपड़े थे मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किए थे, मैंने सारे मशीन में ही डाल दिए। तो अभी ये है, ये सारी चीज़ें करूँगी। एंड बेटू का पानी वगैरह है उसको भी गर्म करना है। एंड छुटकी ये देखो मेरी आराम से नींद मार रही है अभी, फाइनली पूरा दिन के बाद में अब वो जाग करके सोई है। सो अभी हो गया है रात का टाइम, 9:30 के अप्रॉक्स का टाइम अभी हो रहा है। एंड मैं बेटू का पानी बॉयल कर रही हूँ। मैंने ना वैसे मैं रोज़ 5:30 बजे तक कर लेती हूँ, 5:30-6 बजे तक, लेकिन आज ना कुछ काम चलते रहे और फिर मैं थक गई थी तो मैं पता नहीं कैसे भूल गई, वैसे मैं उसका काम भूलती नहीं हूँ। सो बस इसका पानी वगैरह बॉयल हो गया है, अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अभी ये रखा रहेगा, इसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। और बस अभी थोड़ी देर मैं उसको फीड कराऊँगी, आज ना वो काफ़ी देर से सो रही है, अभी मैंने आपको दिखाया। सो वो सो गई ना तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। आज मैं बहुत थका थका सा फील कर रही हूँ, मतलब अंदर से ऐसा फील होता है ना कि फीवर आ जाएगा, सो उस तरीके से ही मुझे फील हो रहा है क्योंकि आज बहुत सारे काम थे। बट हाँ ये अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सारे काम हो गए, वरना मैं रोज़ सोच रही थी कि यार इतना दिन हो गए हैं, रोज़ एक एक दिन निकल रहा है, लेकिन ना काम सारे वो नहीं हो पा रहे हैं। तो हाँ अभी काफ़ी सारे काम हो गए और कुछ बचे हैं वो धीरे धीरे से होंगे। कल तो मैं अभी कोई काम नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ना जिस दिन ये सारे काम करने लगो तो फिर उस दिन ना खाना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, और अभी भी स्टिल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो आज जो डिनर का प्लान है वो, मतलब डिनर आज मैं बिल्कुल घर पर नहीं बनाने वाली हूँ। सो हस्बैंड मेरे और भाई नीचे गए हुए हैं तो वहीं से कुछ लेकर के आएंगे, तो अब तक मैं अभी इसको फीड कराऊंगी और शायद से वापस से सो जाए तो बहुत अच्छा है, वैसे वो काफ़ी देर से सो रही थी, तो देखते हैं। तो बस सो या दैट्स इट फॉर टुडे, इस वाले ब्लॉग वीडियो को मैं यही पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, गुड नाइट।